हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले हफ्ते हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट किया है। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। इसमें देखिए पहली क्वेश्चन है, भाग विधि से लासापा ज्ञात कीजिए। अब हमने लासा निकालना है, तो देखिए भाग विधि से लासा कैसे निकालते हैं। तो इसमें तीन संख्याएँ हैं, पाँचवा तीसरा क्वेश्चन ये 360, 432 और 168। तो 360, 432 और 168 का हम लासा निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, 360, 432 और 168 के टुकड़े कर लेंगे, गुणनखंड। तो 360 के टुकड़े किए हमने, तो 2 से ये 180 बार, 2 से 90 बार, 3 2 से फिर 45 बार, 3 से ये 15 बार, 3 से ये 5 बार, 5 से 1 बार, ऐसे ये टुकड़े करें। 2 से ये 216 बार, 2 से ये 108 बार, 2 से ये 54 बार, 2 से 27 बार, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। उसके बाद 168 के करें, 2 से 84 बार, 2 से 42 बार, 2 से 21 बार, फिर 3 से 7 बार, 7 से 1 बार। इस तरह से 360 के टुकड़े आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। 432 क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। 168 क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब इसका लासा निकालना है। तो देखिए लासा निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन देख लेंगे जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो। तो तीनों में देखिए, तीनों में जो कॉमन है, 360 के टुकड़ों में, 432 टुकड़ों में और 168 के टुकड़ों में। तो यहाँ 2 भी कॉमन है, यहाँ ये भी 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है और यहाँ ये 3 भी कॉमन है, तीनों में 3 आया हुआ है। अब इसके बाद इन जो ये बनाए हैं कॉमन संख्याएं छाटी हैं, इन संख्याओं में से एक एक संख्या ले लेंगे। जैसे 2 के तो 2 ले लिया, ये 2 कॉमन थे यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 2 कॉमन था यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 कॉमन था यहाँ 3 ले लिया। अब आगे जो संख्याएं बची जिनका कॉमन नहीं बना उनको भी लिख लेंगे। जैसे ये 3 गुणा में 3 लिख दिया, गुणे 5 गुणा 5 हो गया, गुणे 2 तो गुणा 2 हो गया, गुणे 3 गुणा 3 हो गया, गुणा 3 गुणा 3 हो गया, गुणा 7। अब इनकी गुणा करके ये आया आपका 45,360। तो इसका लासा हो गया आपका 45,360। देखिए ऐसे अभाज्य गुणन, अब ये कौन सी विधि से, तो भाग विधि से। अब हम करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा लासा। तो गुणनखंड विधि द्वारा कैसे किया जाता है, देखिए ये तीन संख्याएं थी 6288, 96 और 192, इनको एक साथ लिख लेते हैं। जब एक साथ लिखेंगे तो इसको हम वही डिवाइड करेंगे, टुकड़े करेंगे एक साथ ही। अब 2 से जब इसके टुकड़े करेंगे 3144 बार, ये 48 बार, ये 96 बार। 2 से इसके टुकड़े करेंगे, इसको भाग करेंगे तो 1572 बार, ये 24 बार और ये 48 बार कट जाएगा। 2 से फिर से भाग करेंगे तो ये 786 बार कट जाएगा, ये 12 बार कट जाएगा, ये 24 बार कट जाएगा। 2 से फिर से भाग करेंगे तो ये 393 बार कट जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा, ये 12 बार कट जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 393 तो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 6 3 बार कट जाएगा और 12 6 बार कट जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 393 है तो ऐसे लिख रहेगा, कटेगा नहीं। अब 2 से 3 भी नहीं कटने का है, अब 2 से 6 3 बार कट जाएगा। अब 3 से भाग करेंगे तो 131 बार 393 कट जाएगा, 3 एक बार कट जाएगा, 3 एक बार कट जाएगा। अब 131 से भाग करेंगे तो ये एक बार एक बार एक बार। अब देखिए इसका लासा निकालेंगे हम, इसका लासा। तो लासा कैसे निकालेंगे, जो संख्याएं हैं जितनी बार ये डिवाइड हुआ है इसको हम गुणनखंड में टुकड़ों में इनको लिख लेंगे। तो टुकड़ों में लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 131। अब इनकी जो गुणा करके आया वो आया आपका 25,152, यही इसका लासा हो गया। तो बच्चों इसी तरह से आपको ये मतलब एक्सरसाइज के सवाल करने हैं 2 नंबर के, और जो आगे सवाल हैं भाषा वाले वो मैं अपने आप करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।